हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। आप थंबनेल और टाइटल देखे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर आपका भाई गणेश भगवान स्काई चेंज वीडियो एडिटिंग करके आपको बताने वाला है। तो फाइनली भाई, हमें इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें अपने VN ऐप को ओपन कर लेना होगा, और ओपन करने बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। और भाई न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। और आप जैसे भाई नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो वीडियो है VN ऐप में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद भाई आपको सबसे पहले अपने वीडियो को एंड में आ जाना होगा। जो VN ऐप का वाटरमार्क दिख रहा है भाई, आपको इसे डिलीट कर देना होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर इसका कोई काम नहीं है। और फिर भाई हमें इसमें फोटो को ऐड करना होगा। तो भाई हमें फोटो को ऐड करने के लिए आपको ऐसे टैप टू ऐड स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पे वीडियो और फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे हमें अपने फोटो वाले सेक्शन में आ जाना होगा। और फोटो वाले सेक्शन में आने के बाद भाई यहाँ पे हमें अपना गणेश जी भगवान जी वाला जो फोटो है यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आप अपना भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी का भी आप यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गणेश भगवान जी का फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। और सिलेक्ट करने के बाद भाई आपको ऐसे फोटो को बड़ा कर लेना, कुछ इस तरह से पूरे वीडियो पे अप्लाई कर लेना होगा। और अप्लाई करने के बाद भाई आपको ऐसे ऊपर में लेके जाना होगा स्काई में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप स्काई में लेके आइएगा, और स्काई में लेके आने के बाद भाई आपको यहाँ पे नीचे से ऐसे करके लास्ट में आ जाना होगा। और लास्ट में आएंगे तो भाई आप एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, तो भाई आप ऐसे मार्क्स पे क्लिक कीजिएगा। और मार्क्स पे क्लिक करना जो फर्स्ट वाला है लीनियर, आपको फिर इस पर क्लिक कर देना होगा। और आप जैसे भाई इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लेयर आ जाएगा, तो भाई आपको ऐसे करके इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और आप जैसे ही सीधा करेंगे यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फोटो यहाँ पे कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट हो गया। और एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे जो नीचे का पार्ट दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमें भी अच्छे से एडजस्ट करना होगा। तो भाई अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपको नीचे में एक तीर दिख रहा होगा, तो भाई आप इसे तीर को हल्का सा ऐसे नीचे खींचेगा। और नीचे खींचने के बाद भाई आपको इसे हल्का सा बस खींचना होगा। तो हम कुछ इस तरह से हल्का सा खींचते हैं, और हल्का सा खींचने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे भाई यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फोटो यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया, लेकिन हमारा जो चेहरा है वो दिख नहीं रहा है, मतलब पीछे का जो पार्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो आपको काम करना होगा, सबसे पहले इस पूरे वीडियो को अपने मतलब फोटो को अपने पूरे वीडियो पे अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद भाई आपको काम करना होगा, सबसे पहले अपने मेन वीडियो पर ऐसे क्लिक करना होगा। और मेन वीडियो पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से लेयर आ जाएगा, तो भाई आपको ऐसे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना होगा। और आप जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे भाई फर्स्ट वाले का डुप्लीकेट बन जाएगा, तो भाई आपको डुप्लीकेट वाले पे आ जाना होगा। और आने के बाद आपके नीचे से ऐसे करके लास्ट में आना होगा, जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड का, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट का लेयर ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद भाई आपको अपने ऊपर वाले लेयर पे इसे क्लिक करके ऐसे घसीट के इसे आगे लेके आना होगा, मतलब अपने वीडियो पे लेके आना होगा फर्स्ट वाले। और लेके आने के बाद भाई आपको ऐसे अच्छे से एडजस्ट करना होगा। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं एडजस्ट होगा तो हमारा जो वीडियो अच्छी तरीके से एडिट नहीं हो पाएगा। तो भाई हमें इसे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपको इसे स्टार्ट में हल्का सा आना होगा। तो यहाँ पे आपको एक फील का ऑप्शन दिखेगा, तो भाई आप ऐसे फील पे क्लिक कीजिएगा। और आप जैसे फील पे क्लिक करेंगे यह जो वीडियो है वो हमारे पहले वाले वीडियो पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्ट होने के बाद आपको फिर ऐसे लास्ट में आना होगा, और फिर लास्ट में आके आपको यहाँ पे एक क्रोमा का ऑप्शन दिखेगा आदमी वाला, तो भाई आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक गोला वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो भाई आपको ऐसे स्काई पे लेके जाना होगा। और स्काई पे लेके जाने के बाद यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिया है नीचे में, ये जो नीचे वाला है आपको इसे 0% कर लेना होगा, और ऊपर वाले को आपको ऐसे करके अर्जेस्ट से एडजस्ट करना होगा। तो भाई ये जो जैसे एडजस्ट होगा यहाँ पे 65% पे, तो यहाँ पे आपको देख लेना होगा कि आपके वीडियो पे कितने परसेंट पे अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में क्लिक कर देना होगा। तो अब जो भाई हमारा जो वीडियो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। अभी वीडियो भाई थोड़ा सा फंस रहा है, तो अब जिसे जब गैलरी में सेव करेंगे तो ये अच्छे से चलेगा। तो भाई अगर आप इसमें दूसरे वीडियो को ऐड करना चाहते हैं, मतलब दूसरे फोटो या वीडियो को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली एक क्लिक में आप ऐसे अपने नीचे वाले वीडियो मतलब बीच वाले वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। और बीच वाले वीडियो पर क्लिक करने बाद यहाँ पे जो रिफ्लेस का ऑप्शन है भाई, आप इस पर फिर से रिफ्लेस पर क्लिक कीजिएगा। और रिफ्लेस पर क्लिक करने बाद जो वीडियो वाला ऑप्शन है आपको फिर इस पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको जो फोटो अच्छा लगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम श्री राम जी वाला फोटो सिलेक्ट करते हैं। और अब जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे जैसे हमारे जो श्री राम जी का फोटो यहाँ पे अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गया, इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो आप अपने नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से क्रोमा पे आ जाएगा। और क्रोमा पे आने बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से लेके आना होगा। और लेके आने बाद जो आपने प्रोसेस शुरू में किया था ना, आपको भाई सेम उसी तरह से कर लेना होगा। तो ये जो वीडियो है मतलब अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब फोटो है आपके वीडियो पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप भाई इस तरह से अपने वीडियो में इस तरह से गणेश भगवान जी का फोटो लगा सकते हैं। तो भाई अब इसे अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो भाई गैलरी में सेव करने के लिए हमें ऐसे ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे मतलब नीले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा। और अब जैसे भाई एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही तेज़ी से हमारी गैलरी में सेव होगा।